हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक टूर दूंगा अपने कैबिन का। बड़ी मुश्किल से जो है 2-3 दिन कंटिन्यूस क्लीनिंग करके तब थोड़ा रेडी किया है मैंने आपको दिखाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। दे यू गो, ये है हमारा छोटा सा आशियाना। एंटर होते ही यहाँ पे मैंने डस्टबिन प्लेस करा है थोड़ा बेड से दूर वॉशरूम के पास। ओके, एंड दीज आर स्लीपर्स। ये फुटरेस, ये आपको एक कैबिनेट मिलेगा, ऐसा एक कैबिन है। ओके, दूर से मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा। तो इसमें ऊपर आपका इमर्जेंसी सूट और लाइफ जैकेट रहेगी, विच यू हैव टू वेयर और टेक विद यू ड्यूरिंग ड्रिल्स। फिर ये इसके अंदर रॉड, हैंगर वगैरह, बाकी मैंने अपना स्टफ प्लेस कर दिया है जो मेरे को डेली बेसिस पे यूज होंगे आइटम, वो सब मैंने यहाँ रख दिए। ओके, ये हमारी डांगरी विच वी कॉल बॉयलर सूट ऑल्सो, एंड यहाँ पे लगेज रखा है, शूज रखे हैं। फिर ये एक बढ़िया सा सोफ़ा मिलेगा लंबा सा। ओके, ये भी शीट्स वगैरह सब धो धा के सब रेडी करके रखी है मैंने। यहाँ पे आपका वॉशरूम के लिए फुटरेस्ट रखा है। फिर यहाँ पर भी एक हुक है, यहाँ टावल आप टांग सकते हैं। बाकी एक मेंटेनेंस हैच होता है। ओके, ये यहीं पे है बल्कहेड में ही, एक इन्होंने खुफिया दरवाज़ा बनाया हुआ रहता है, इसको खोलेंगे तो आप यहाँ पे अपने क्लीनिंग आइटम्स रख सकते हैं, ब्रोम्स वगैरह, मॉप्स एंड, ठीक है। और ये यहाँ से आपका जो वाटर सप्लाई है वो कंट्रोल होगा वॉशरूम का, ये पूरे कैबिन का, ये कोल्ड के लिए या हॉट के लिए। अभी मैंने बंद करा हुआ है, स्ट्रेट करेंगे तो ओपन हो जाएगा ऐसे करके। ये थोड़ा लीक करता है यहाँ पे, इसलिए जो मेरा रिलीवर था, जिसको मैं रिलीव करने आया था, उसने बोला था कि इन दोनों को क्लोज रखना, अदरवाइज ये लीक करता है बहुत ज़्यादा, तो जब यूज़ करूँगा तब। बाकी एक टेबल दिया है छोटा सा, इसमें अपना सामान आप रख सकते हैं डेली आइटम। एक चेयर है लेदर कवर, ये आपका पोर्ट होल है, काफ़ी अच्छा दिया है, ऊपर पूरा घर के जैसा कर्टेंस है। ये कर्टेन है, ये आपका पोर्ट होल है, और ये हमारा बाहर का नज़ारा है। इसको आप नीचे भी पुल कर सकते हैं, ये दो वो हैं, दो पर्दे हैं, ठीक है, एक ऑटोमेटिक वाला है और एक मैनुअल वाला है। सो इससे एकदम डार्क हो जाता है कमरे में, रात में कोई लाइट नहीं आती, कुछ नहीं आती, यू कैन स्लीप वेरी कामली पीसफुली। देन आई विल शो यू द बाथरूम। वॉशरूम को बड़ा घिस घिस के साफ करना पड़ा है। यह है वॉशरूम, वॉश बेसिन। ओके, दीज आर टॉयलेट सीट्स, दीज आर बटन, दैट्स वॉशर, सॉरी शावर। ओके, कोई नलका वलका नहीं होता यहाँ पे, डायरेक्ट शावर होता है। एंड या बाथरूम में और तो कुछ नहीं है। इसमें एक नई चीज़ मैंने देखी है कपड़े टांगने के लिए, एक डिवाइस इंस्टॉल करा है इसके आगे से, एक निकाल के ये थ्रेड वहाँ पे अटकानी होती है, सो आप इस पर अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। बाकी ये बंद दरवाजे के पीछे, शीशे के पीछे भी कैबिनेट है, इसको आप खोलेंगे तो इसके पीछे आप अपने कॉस्मेटिक आइटम्स रख सकते हैं। देन ये अपना बेड है, ठीक है, बेड में भी दो ड्रॉर्स हैं, इसमें भी आप अपने सामान रख सकते हैं। ओके, एंड वो एक टेबल है, वो अपने सीनियर जी ने पीपी किट दी हुई है, टेबल फ़ैन है, ये सबके पास नहीं है फैंस वगैरह, ये मेरे पुराने वाले रिलीवर ने अरेंज करके रखे हैं संभव। फिर यहाँ पे भी एक मिरर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एंड बाकी यहाँ पे आप अपने आइटम रखते हैं, वो मैंने केटल रखी है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है पूरे रूम में, टेलीफोन जब ये बजेगा आपको जाना पड़ेगा। बाकी इतने सारे स्विच बोर्ड दिए हुए हैं, और इसने काफ़ी अच्छा जुगाड़ करा हुआ था पहले से, ये देखिए ये कुछ इस तरीके के यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये मैं अभी देख रहा हूँ, ये ऐसा है, इसमें आप प्लग करेंगे
और इसके बाद वैसे तो ये डायरेक्ट भी लग सकता है, ये जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने ये, फिर ये इसके लिए मैं कह रहा था आप खरीद लें तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें आप अपने नॉर्मल आइटम्स लगा सकते हैं, नॉर्मल ये मोबाइल चार्जिंग के अडेप्टर्स एंड लैपटॉप चार्जिंग के, ये देखिए बस। बाकी ये टेलीफोन के लिए तो एक ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। बाकी ये शिप एक बल्क ही है, एक यहाँ पे आपको बेड के ऊपर भी लाइट दी हुई है नाइट में, जब आपको उठ के नहीं जाना है, क्योंकि रूम की जो लाइट होती है वो यहाँ से एक्सेस होती है, ये बटन है, ये ऑफ ये ऑन, ये वॉशरूम के लिए, और फिर वो वहाँ पे बेड के ऊपर है, तो सारी लाइट बंद करके आप जब बेड पे लेटे होंगे या कुछ भी करना होगा तो वो लाइट आप जला सकते हैं। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल, नो नीड टू गेट अप फ्रॉम योर बेड। और ये यहाँ पे कुछ देसी जुगाड़ करा हुआ है एसी का, मेरे रूममेट ने, ताकि ये यहाँ से हवा डायरेक्ट बेड की तरफ आए, उसने एक डायरेक्शन दे रखी है। ओके सो बाकी ये पब्लिक अनाउंसर है, पब्लिक एड्रेस, इस पे जैसे भी वो कुछ अनाउंस करेंगे तो आपको सुनाई देगा। ठीक है, पब्लिक एड्रेस, फिर ये आपकी वॉच है, ये टेम्परेचर बता रहा है, अभी मेरे रूम का टेम्परेचर है अराउंड 25-27, 27 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बाकी आपको पता है आपकी बल्कड़ सब लोहे की होती हैं, तो ये सारे मैग्नेटिक क्लिप्स हैं, ये चिपकी रहती है वॉल्स पे, ये मैग्नेट लगी है इसमें, तो आप अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जैसे रेस्ट आवर्स हो गया, पे स्लिप हो गई, ये यहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। ये भाई ने भी करा हुआ है, ये मैंने हटाया नहीं है, फेंक दूंगा, लेकिन पता नहीं क्या है, पहले पढ़ के फिर फेंक दूंगा। बाकी ये डोर के यहाँ पे आपके लिए वेंटिलेशन होता है, ये ऑन ऑफ होता है इसका, ये देखिए ये ऑफ हो गया, अभी ये ऑन हो गया, ये वेंटिलेटर्स होते हैं, बंद कर दोगे फिर ये ऑन कर दोगे तो एयर पास होती रहती है, फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे चट के, नहीं इसे खोल के नहीं देखा मैंने, काफ़ी छोटा हैंडल है, टूट गया है कैसे, छोड़ो मैं खोलूँगा नहीं, कहीं मुसीबत बढ़ जाए, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी अंदर से लॉक करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टली आप घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा, यहाँ पे चाबी टांगने के लिए, ताकि आप चाबी को गुम ना करें एक ही जगह पे, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। एक्चुअली ये एक चाइनीज़ बिल्ड शिप है, ठीक है, तो मैं आपको फ्लीट का नाम बता देता हूँ, मेरी फ्लीट है जेनको, एंड अभी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो मेरा लास्ट शिप था वो भी जेनको फ्लीट का ही था, तो उसमें क्या था, जो एकोमोडेशन एरिया था वो काफ़ी अच्छा था, अच्छा मींस कंजस्टेड सा नहीं था, काफ़ी बड़ी बड़े एलिवेज थे, रूम्स थे एंड वॉशरूम्स थे, तो उसका एकोमोडेशन काफ़ी अच्छा था। अभी ये चाइनीज़ बिल्ट है तो इन्होंने थोड़ा सा एलिवेज वगैरह, मतलब नॉर्मल ठीक है, लेकिन अब मैं वो करके आया हूँ कोरियन बिल्ट, तो मेरे को काफ़ी अजीब सा लग रहा है स्टार्टिंग में ना, तो एडजस्ट होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये थोड़ा सा मेरे को कंजस्टेड लग रहा है अभी, तो एकोमोडेशन कंफर्ट लेवल के लिए कोरियन बिल्ट शिप अच्छा है। ठीक है, अभी चाइनीज़ में, जो चाइनीज़ बिल्ट है ये, इसमें डेक पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक है, आपका गैंगवे हो गया, ठीक है, गैंगवे भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, लेकिन आपके जो कोरियन बिल्ट है उसमें एयर से होता है, तो ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस पे। ठीक है, फिर और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि बंकर डेविट हो गया, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, एंड और क्या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, और हाँ, इसमें जो पैलेट लेटर डालते हैं हम कॉम्बिनेशन के टाइम पे, वो हाथ से डालनी पड़ती है, इसमें वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है, उसके लिए कोई वो नहीं है, शाफ्ट नहीं है जिस पे आप जो है अपनी पैलेट लेटर को रोटेट करके और सिक्योर करके रखते हैं, इसमें वो नहीं है, तो आपको मैन्युअली उठा के ले जानी पड़ेगी, तब डालनी पड़ेगी, जो हम जिसको हम कॉम्बिनेशन लेटर बोलते हैं, जो 9 मीटर अबव और ड्राफ्ट फ्री बोर्ड के बाहर डाली जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैनुअली डालनी है,
और क्या है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे इसमें आपको क्लिट्स मैनुअली बंद नहीं करने होते, ठीक है, पंटून के अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसमें चेन नहीं होती, ये गेयर वाले हैं, चाइनीज़ में बता रहा हूँ, ठीक है, चाइनीज़ में, तो ऐसी सब चीज़ें जो काफ़ी मतलब अलग है उससे, तो उसमें थोड़ा अपना काम भी कम हो जाता है। बाकी चाइनीज़ की बात हो गई, कोरियन की बात हो गई, अब जैपनीज़ बिल्ड की बात करते हैं। जैपनीज़ बिल्ड भी होते हैं शिप, बट मैंने अभी सेल करा नहीं जैपनीज़ बिल्ड पे, बट जितना मैंने सुना है जो जैपनीज़ बिल्ड शिप होते हैं मोस्टली जो जेनको में है मेरे ख्याल से, उनमें जो टॉयलेट होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो मेरे को तो सही नहीं लगता है, मेरे को अपना पर्सनल प्राइवेट स्पेस अच्छा लगता है जिसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो, तो एक कॉमन टॉयलेट होता है जैपनीज़ वालों में। सो अभी ए बी जो है मेरे साथ, उन्होंने बताया है कि उनके जितने भी पिछले शिप थे, पिछले 7 सेलिंग उन्होंने ऐसे शिप पे करे जिसपे कॉमन टॉयलेट था, तो कह रहे ये मेरा 7 साल के बाद पहला ऐसा शिप है जो मतलब जिसमें मेरे को सेपरेट वॉशरूम मिल रहा है, तो भाई सो आप थोड़ा वाइजली चूज़ करिए, स्टार्टिंग में तो यू कांट बी अ चूजी, बट थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप थोड़ा सा अपने वेसल्स के बारे में सॉरी रिसर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या बिल्ट है और क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। सो यही है, सो थैंक यू सो मच। अभी और भी चीज़ों का मैं टूर दूंगा, जिम मैंने देखा है, जिम भी ठीक ठाक है, ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।